अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शहजाद मकसूद। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रियलमी नार्जो 30 को डिस्कस करने वाले हैं। यू नो कि इससे पहले नार्जो सीरीज को ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। नार्जो 38 जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है रिसेंटली ही, उस डिवाइस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये डिवाइस एक इंट्री लेवल प्राइस टैग यानी कि 25,000 to 30,000 लॉन्च की जाएगी। लेकिन जब वो डिवाइस लॉन्च की गई तो उसका एक बहुत ही अमेजिंग प्राइस टैग रखा गया जो कि आई थिंक 20,000 के राउंड अबाउट था। तो उस प्राइस टैग में आपके काफ़ी अच्छी डिवाइस प्रोवाइड की गई थी। उसी सीरीज का ये एक वेरियंट होने वाला है नार्जो 30, और इसमें हम को बहुत अच्छे फीचर्स स्पेशली एक बहुत अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड की जाएगी। सो आज की वीडियो में हम नार्जो 30 के तमाम स्पेसिफिकेशंस को देखने वाले हैं, एट द एंड इसका प्राइस टैग भी देखेंगे। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जो दोस्त चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को डिस्कस करें तो इस डिवाइस में आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का पैक किया जाएगा, सेकंड लेंस 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, और थर्ड वाला कैमरा इस डिवाइस में 2 मेगापिक्सल का पैक किया जाएगा। साथ में बैक पर आपको एक LED फ्लैश भी मिलने वाला है। फ्रंट पर आएँ तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूट इस डिवाइस में प्रोवाइड किया जाएगा, और एड रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होने वाला है। आगे बढ़े तो इस डिवाइस में आपको एंड्रॉइड 10 का ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पर अगर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग डिवाइस ये रियलमी की बन जाए। सो खैर आगे बढ़े तो 2.0 की का हर लोगों की स्पीड इस डिवाइस की होने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको एक गेमिंग प्रोसेसर MediaTek Helio G85 की चिप प्रोवाइड की जाएगी जो कि 12 नैनोमीटर वाली है, और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए 52 MC2 का GPS डिवाइस में पैक किया जाएगा। IPS LCD टच स्क्रीन इस डिवाइस की होने वाली है जिसका साइज 6.5 इंचज होगा, और ये डिस्प्ले आपको 720x1600 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो सिंगल वेरियंट इस डिवाइस का एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि 4GB ऑफ रैम 64GB ऑफ रोम वाला वेरियंट है। सो आई थिंक के ये इन्फ इंटरनल स्टोरेज है क्योंकि 64GB ऑफ रोम बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। अगर 128GB ऑफ रोम 4GB ऑफ रैम के साथ में पैक की जाए इंटरनल स्टोरेज तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में पैक किया जाएगा। बैटरी को डिस्कस करें तो एक मैसिव बैटरी इस डिवाइस में आपको अवेलेबल होने वाली है जो कि 5000 mAh की होगी। साथ में 30W की फास्ट चार्जिंग की स्पॉट भी अवेलेबल होने वाली है। सो थ्रू बैटरी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला। ये बैटरी लाइफ इस डिवाइस को एक रियल में गेमिंग फोन बना देगी। तो अब बैटरी आने के इसके प्राइस को डिस्कस करें तो इस डिवाइस के अभी तक कन्फर्म प्राइस रिवील नहीं की गई। तो इसका प्राइस टैग अराउंड 30,000 होने वाला है, यानी कि एंट्री लेवल प्राइस टैग में आपको रियलमी नार्जो 30 डिवाइस मिलने वाली है। सो ये एक बेस्ट गेमिंग फोन होने वाला है क्योंकि इन्फ इंटरनल स्टोरेज है, साथ में एक मैसिव बैटरी है, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला। तो ये थे कि वीडियो में करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो ये जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी शहजाद मकसूद। अल्लाह हाफिज़।